नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड कुछ ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पिछले डिफरेंट टाइप के जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बार बार मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, लिखा है अ टेंशन मेंबर विद अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 30 mm। क्वेश्चन में दिया है एक मेंबर है, कोई एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 30 mm, और रजिस्ट मतलब उस पर जो लोड लग रहा है, जिसको वो रजिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू दी है 60 kN। आगे पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस इंड्यूस, और जो रोड के अंदर जो लोड लगने के कारण उसके अंदर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वह कितना हो रहा है, यह क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोग भी सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हर बार की तरह जैसे मैंने मिलकर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या लिखना मुझे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा आपको गिवन नहीं लिखना, सीधा डाटा नोट कर लेना। तो डाटा में यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया को हम कैसे नोट करते हैं, कैपिटल ए से, और इसको हम क्या लिख देंगे 30 mm। ये यहाँ पर याद रख के स्क्वायर होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिस हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको चला देता हूँ तो आपको इसे समझ में आ जाए। अभी स्क्वायर होगा और आगे दिया है लोड, लोड क्या दिया 60, तो यहाँ पर इसको डिनोट कर देंगे हम एफ से, लोड दिया है 60 kN। अब याद रखें सेकंड नंबर आता है यूनिट कन्वर्जन का, तो यूनिट हम देख लेते हैं ऑप्शन में, जैसे किलो न्यूटन दिया है, कोई भी ऑप्शन देखेंगे किलो न्यूटन दिया सभी में, और सभी में एमएम दिया है, यहाँ पर भी देखेंगे एमएम यूनिट है और किलो न्यूटन है, तो हमें न्यूटन में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जो हमें निकालना हुआ है क्या निकालना है, स्ट्रेस, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम जानते हैं पी इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपॉन ए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी किलो न्यूटन, जैसा हमारे ऑप्शन में दिया है एमएम स्क्वायर, ठीक है, यहां पर भी जो गलत दिया ऑप्शन में एमएम स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे कि एफ की वैल्यू दी है 60 और हमारा ए की वैल्यू दी है 30, अब इसको हम कट करेंगे कितने में जाएगा, दो बार जाएगा, दो बार में जाएगा, और हमारी यूनिट क्या जाएगी किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो हमारा देखेंगे पहला वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह और भी कुछ न्यूमेरिकल लिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस तरह देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेस टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब एक वायर है जिसको स्ट्रेस मतलब खींचा जा रहा है, तो खींचने पर उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल लेंथ से कैसे हो जाती है, लिखा डबल हो जाती है, कैसे हो जाती है डबल। आगे लिखा है द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, हमें क्या लॉन्जिट्यूडिनल मतलब लीनियर स्ट्रेन हमें क्या करना ज्ञात करना, इसको थोड़ा समझा देता हूँ पहले मैं, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेस हम जो स्मॉल इसे इसको डोनोटेट करते हैं, और क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ क्या होती है, जब हम खींचते हैं किसी को तो उसकी लेंथ बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं फाइनल लेंथ, और इसको घटाते कैसे इनिशियल लेंथ से, तो आइए ऐसे डोनोटेट कर देता हूं मैं, और हमारी ओरिजिनल लेंथ जो भी दी गई है। अब यहां पर देखो फाइनल लेंथ कितनी हो जाती है डबल, मतलब हमने मान लिया कोई भी लेंथ कितनी एल होगी तो उसकी कितनी हो जाएगी डबल 2L हो जाएगी, और एल हमने मान लिया उसकी जो इनिशियल लेंथ होगी ओरिजिनल लेंथ एल मान ली। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 2L है और एक एल, इसमें से जब इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा एल बचेगा, और एक नीचे ऑलरेडी एल है, एल में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 1 में, 1 वाला देखेंगे आप वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और भी इस तरह के कुछ क्वेश्चन लिए उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी समझ लिखा है अब मटेरियल हैज इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस कैपिटल ई को ई से नोट करते हैं, जैसे यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, कितना दिया गीगा पास्कल में दिया 120, एंड शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस को आपने देखा होगा कैपिटल जी से नोट करते हैं, जिसकी यूनिट थी गीगा पास्कल, ये 50 दिया हुआ। आगे देख रहा पॉइजन रेशो हमें ज्ञात करना, पॉइजन रेशो ज्ञात करना, तो आपको ये सिंपल न्यूमेरिकल है आपको याद होना चाहिए, हम पहले सबसे रिलेशन बताएंगे कि जो पॉइजन रेशो और हमारा शियर स्ट्रेस और हमारा क्या बोलते हैं इलास्टिक कॉन्स्टेंट, इसमें जो रिलेशन होता है वो आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस
म्यू, कई जगह म्यू की जगह वन अपॉन क्या लिख सकते हैं पॉइजन रेशियो को वन अपॉन एम भी लिख सकते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमें म्यू क्यूब की डायरेक्ट पॉइजन रेशियो निकालना तो निकाल सकते हैं। अब ई की वैल्यू देखो, हमने जैसे बताया ई की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी दी 120, तो डायरेक्ट आप 120 रख दें। 2 इनटू जो हमारी जी ये क्या होता है सीयर मॉडुलस, हमारा कितना दिया 50 दिया, इसको हम 50 रख देते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू जैसी की तैसी हमें रखे रहना, क्योंकि इसको ये होता है हमारा पॉइजन रेशियो, इसको हमें निकालना है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल कर देंगे, अगर हम ऐसा करते हैं 1 प्लस म्यू इक्वल टू, ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ जाएगा तो 120 बटे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि 50 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक जीरो से जीरो कट जाएगी, 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कितना हो जाएगा 1.2 वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना, म्यू इक्वल टू निकालना, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा 1.2 इधर ही रहेगा, जबकि 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 1.2 में 1 का घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.2, तो 0.2 कौन सा बी वाला ऑप्शन है, तो हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये 3 न्यूमेरिकल मैंने समझा दिए, एक लास्ट न्यूमेरिकल और है उसको भी समझेंगे। अब यहाँ पर इस न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझना होगा, क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल लिखा है। आ स्टील वॉर, एक स्टील वॉर है, एक रॉड है, इज इलॉन्गेटेड, उसको खींचा जा रहा है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल कंप्रेसिव लोड, उस पर लग रहा है। लोड कितना दिया, लोड मतलब एफ दिया है, कितना दिया है यहाँ पर 200 किलोन्यूटन। डिटरमाइन द एलोंगेशन इफ द क्रॉस सेक्शन, क्या दिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिया, एज कल टू दिया 40 mm × 40 mm, लेंथ ऑफ द वायर एल कल टू दिया 2 मीटर, याद रखें मीटर दिया इधर एमएम में दिया, दोनों में याद रखें। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल एज कल टू दिया 200 GPa, ठीक है, इधर हिंदी में क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डाटा के माने उसको हमें क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो सबसे पहले डाटा के माने उसको लिख लेते हैं, इससे और अच्छे से मिलकर समझ में आ सके। सबसे पहले कहा स्टील वायर इलोंगेट बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलोंगेट हो रहा है, खींचा जा रहा है उसको, और डिटरमाइन क्या निकालना, याद है डिटरमाइन द इलोंगेशन इफ इलोंगेशन मतलब उसका चेंज इन लेंथ हमें निकालना है, चेंज इन लेंथ हमें निकालना, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ चेंज इन लेंथ मतलब डेल एल इक्वल टू हमें निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पी या एफ, एफ भी लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, लोड इनटू एल अपॉन क्या होता है ए इनटू ई, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जब आप इसको निकाल पाएंगे। तो गिवन डाटा में क्या लिखा है उसको मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि एक्सियल लोड मतलब पी इक्वल टू दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन समझे, इसमें यहाँ पर एमएम वैल्यू दी है इसलिए हमें किलो को हटाना पड़ेगा, तो किलो को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 200 × 10³ सॉरी 10³ इंटू न्यूटन। दूसरी वैल्यू एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल टू कितना दिया 40 mm × 40 mm, इसको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा जो ऑप्शन में mm दिया है। लेंथ दिया है हमारा एल इक्वल टू 2 मीटर दिया, हमें किसमें चाहिए mm में चाहिए, तो 2 × 10³ हम कर देंगे, इसमें चेंज हो जाएगा mm में, मीटर को mm में चेंज करने के लिए 10³ का मल्टीप्लाई करते हैं। कैपिटल ई इक्वल टू, यहाँ कैपिटल ई इक्वल टू दिया ऑलरेडी लिखा हुआ है, कैपिटल ई इक्वल टू कितना दिया 200 GPa, याद रखें GPa, GPa को हमें न्यूटन में न्यूटन पर एमएम इसको हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे 200 × 10³ का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। ये पहले भी कन्वर्जन बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब जो वैल्यू थी वो गिवन लिख ली मैंने, अब हमें क्या करना है सिर्फ वैल्यू इसमें पुट करना है, तो देखेंगे आप लोग पुट कैसे करना है। जो फॉर्मूला दिया पी इक्वल टू 200 दिया है इंटू 10³ दिए, अब इंटू एल, एल कितना दिया 2 दिया है इंटू 10³, ये हमने परिवर्तन करके लिख लिया। अब इसके बटे में देखें आप, बटे में क्या दिया ए इंटू ई, ए मतलब क्या है 40 × 40 जो वैल्यू दिए, जबकि ई क्या दिया है अभी ऊपर लिखा हुआ था ना 200 × 10³। अब यहाँ पर जो भी कट रहा है 10³ कट जाएगा, ठीक है। अब 2 जीरो यहाँ पर दिया, 1 जीरो, 1, 2, 3 जीरो से ए कट जाएगा, अब जो बचा हुआ 1 जीरो से ए कट जाएगा। अब इसके बाद हम जो इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर का नीचे से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है 1.25 mm आ रही समथिंग चेंज इन लेंथ इसका। इसमें देखेंगे 1.25 कौन सी वैल्यू, 1.25 सबसे ए वाली वैल्यू है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह के और भी न्यूमेरिकल में जितने भी जो हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमारे चैप्टर इसमें जो भी न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं याद रखें,
पूछे जा चुके हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन बार बार मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप के कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर किया करें, और जो भी हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इसी तरह के जो जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और टाइम से आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।